हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा, होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। दरभंगा में खरीदिए अपना फ्लैट। तेजस्वी श्री महेश्वर कॉम्प्लेक्स, बैंकर्स कॉलोनी, रहमगंज, दरभंगा, फ्लैट बुकिंग ओपन। जीजे ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्जापुर, दरभंगा, 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। हर आयोजन को बनाइए खास, करी नाइट्स की पेशकश, शुभ नाइट्स, बैंक्वेट हॉल, बेला मोड़ से आगे, मिथिला फ्लावर मिल के निकट, दरभंगा। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट IIT और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। कोरोना को लेकर दिन में DM और SSP ने की खास बैठक, तो देर शाम सड़क पर उतर गई पुलिस। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां कोरोना को लेकर पूरे बिहार के लिए जारी गाइडलाइन का दरभंगा में भी पालन कराने के लिए सड़क पर संध्या में उतरी पुलिस। दुकानों को 7 बजे शाम तक ही खुले रखने के नियम का 100% पालन कराने के लिए दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के जवान, पुलिस पदाधिकारी दौड़ लगाते रहे। हालांकि अधिकांश लोग नियम न मानने की मानो पहले ही दिन कसम खाते नजर आए, क्योंकि इनकी दुकानें लगातार खुली दिखीं। पुलिस ने आज तो लोगों से अनुरोध, अनुनय, विनय ही किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे अब बिल्कुल भी लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। दरभंगा से लेकर लहेरिया सराय तक की सड़क पर उतरी पुलिस ने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को बंद कराया, साथ ही लोगों को इस संबंध में जानकारी भी दी। दुकान और प्रतिष्ठान 7 बजे शाम तक ही खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को आमजनों के लिए बंद किया गया है। मास्क प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन हर हाल में अनिवार्य है। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में 50% लोग ही बैठेंगे। अंतिम संस्कार में 50 तथा विवाह में 200 व्यक्ति की सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव बिहार द्वारा COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ अम्बेडकर सभागार में बैठक की गई। DM ने सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी आदेश से सभी अधिकारियों को अवगत कराया, कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। दरभंगा जिले की सभी दुकानें संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल पर उक्त रोक लागू नहीं होगी। दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। सफ़ेद वृत्त चिन्ह बनाए जाएंगे। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य है। सभी सिनेमा हॉल बैठने के निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में प्रभारी पदाधिकारी या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनके कनीय अधीनस्थ पर्यवेक्षक और कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवा जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त, सड़क पर उतरी है पुलिस। आप भी देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाइए। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, उस वक्त भी सड़क पर पुलिस चहलकदमी कर रही है। आज जो कोरोना की आज की रिपोर्ट है, बिहार में कोरोना के 3469, समझ लीजिए कि 3500 के करीब मरीज आज एक दिन में कोरोना के मिले हैं। लगातार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा में आज पूरे 50 मरीज मिले हैं कोरोना के। तो स्थिति की भयावहता को समझिए। हर काम होगा, लेकिन सवाल है पहले जीवित तो रहें। इसलिए आप मानकों का पालन करिए, निर्देशों का पालन करिए।